आगरा कॉलेज आगरा के नवगत प्राचार्य डॉक्टर चित्र कुमार गौतम ने 13 फरवरी को प्राचार्य के पद को ग्रहण किया। डॉक्टर चित्र कुमार गौतम ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं के बारे में प्रातः दर्पण न्यूज को जानकारी दी। जानकारी देते हुए कहा कि आगरा कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को अनुशासन युक्त बनाना और प्रत्येक संकायों की कक्षाओं को सुचारू रूप से चलने पर जोर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगरा कॉलेज के गौरवशाली इतिहास को हमेशा सुरक्षित रखने की भी बात कही। 13 फरवरी को मैंने चार्ज लिया है, मुझे एज ए प्राचार्य पदभार सौंपा गया है। तो उस टाइम विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही थी, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं को सुचारू ढंग से संपादित करना, जो 8 तारीख तक या 9 तक चलेंगी, पहली प्राथमिकता है। उसके बाद सुचारू रूप से क्लासेस विधिवत हर संकाय की स्टार्ट कराना, क्लास स्टार्ट रहेगी तो स्टूडेंट्स के बीच में डिसिप्लिन भी पूरा रहेगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और कॉलेज का जो गौरवशाली इतिहास है उसको वापस करें। वैसे आगरा कॉलेज एक ऐतिहासिक गौरवशाली कॉलेज है, पूरा विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में उसको जाना जाता है, सबसे प्राचीन कॉलेज है। 1823 का स्थापना हुई थी इसकी, विवाद हम कभी नहीं रहा। स्टूडेंट्स के लिए सबसे हम वो करेंगे क्लासेज में उनकी उपस्थिति पूरी रहे, प्रैक्टिकल्स की लैब में जाएँ वो, जब तक क्लास है उसके रहें, अदरवाइज लाइब्रेरी में बैठे, ये हमारी रहेगी। यहाँ पर हमेशा स्टूडेंट्स को बढ़िया दी गई है आगरा कॉलेज में, और ये जाना भी जाता है पूरे विश्वविद्यालय भर में कि आगरा कॉलेज में ही क्लासेस लगती हैं। ओके, थैंक यू।